णम नमो सिद्धाणम नमो आयियाणम नमो उजायणम नमो लोये सव साहूणम पंच परमिष्ठी भगवान की जय अगले पैतालीस मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नोबल नमोकार मंत्र पढ़ लें तो हमने कल देखा था कि किस तरह वासुदेव को अनदर दो और राजकुमारियां मिली बंधुमती और प्रियंगु सुंदरी ठीक तो हमारा यहाँ पर सर्ग चैप्टर जो था था फिनिश हुआ था, अब उनतीसवां मतलब तीस थर्टी चैप्टर ठीक इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा इसमें वासुदेव वसुदेव का अपने परिवार से मिलन दिखाया जाएगा यहाँ पर ठीक तो देखते हैं अभी और राजकुमारियां मिल रही हैं वासुदेव को अतन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन काल तक क्रीडा करने से अतिशय खिन्न कुमार वसुदेव प्रियंगु सुंदरी में प्रगाढ़ से बंधे सुख की नींद सो रहे थे कि किसी कारण जाग पड़े जागते ही उन्होंने सामने खड़ी द्वितीय लक्ष्मी के समान अतिशय एक कन्या देखी कुमार ने उससे पूछा कि हे कमल लोचने कमल लोचने मतलब कमल जैसे आंखें जैसे कमल की कली होती है ना और लोचन मतलब ठीक है तुम कौन हो उत्तर में कन्या ने कहा हे कुमार थोड़ी देर बाद मेरा सब वृतांत जान लोगे वृतांत मतलब मेरे बारे में सब जान लोगे अभी मेरे साथ आइए इस प्रकार तो कुमार जरा पूछ सकती हूँ क्या सॉरी स्टार्टिंग क्योंकि मैं कल नहीं जाइंग उसकी रिकॉर्डिंग में मुझे समझ नहीं पड़ा क्या हुआ है अच्छा नहीं ज्यादा कुछ नहीं हुआ है कल दो राजकुमारियों के साथ विवाह बताया था ठीक okay. है नया कुछ नहीं है अभी अभी वो सुंदरी जिसके साथ साथ विवाह हुआ था तो अभी उसके क्रीड़ा कर रहे है, है ना उसके साथ शयन कक्ष में है तो एक अचानक से आंख खुली उनकी तो okay. देखा एक कन्या उनके पास में खड़ी है तो उसने पूछा तुम कौन हो तो कि आइए और मेरे बारे में सब पता चल जाएगा चलो मेरे साथ ठीक हम्म थैंक यू सॉरी कल चौमा से तुलसी और मंदिर yes, चली गई सॉरी गेटर नो परीज इस प्रकार कुमार को बुलाकर वह कन्या बाहर चली गई कुमार भी प्रिया का अलंगन अलिंगन दूर कर उसके पीछे-पीछे चल दिए बाहर जाकर वह सुंदर महल के फर्श पर बैठ गई और अपने आने का कारण इस प्रकार कहने लगी हे आर्यपुत्र हे श्रीमन अपना मन स्थिर कर अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति में कारणभूत मेरे वचन सुनिए मतलब कि जो प्राप्त नहीं की जा सकती ऐसी चीज को प्राप्त करने के कारणभूत मतलब मेरे वचन जो है मेरी बात जो है वो आपको कुछ अप्राप्त वस्तु दे सकती है इस विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी के गांधार देश में एक गंध समृद्ध नाम का नगर है उसका स्वामी राजा गंधार है उसकी पृथ्वी नाम की स्त्री है जो उसे पृथ्वी के ही समान प्यारी है मैं उन दोनों की साक्षात लक्ष्मी के समान कांतिमती हूं तो विद्याधरी थी वो जो आके उसके उसको जगाया जिसने वो विद्याधरी थी मैं एक दिन मानस वेग के स्वर्णाब नामक उत्तम नगर को गई थी वहां मैंने मानस वेग की माता अंगारवती को जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवती का वृतांत पूछा वेगवती जिससे कि वासुदेव का विवाह हुआ था वेगवती की सखियों ने मुझे उसका समाचार बताया और साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चंद्रमा के साथ चित्रा नक्षत्र का संगम होता है उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुआ है उसी नगर में शुद्ध शील ही जिसका आभूषण है तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है ऐसी सोमश्री भी रहती है सोमश्री के साथ भी वसुदेव का विवाह हुआ था है ना जिसका कि अपहरण करके एक विद्याधर ले गया था। जिसकी अलकावली के छोर आपके वियोग जन्य महादुख से सफेद सफेद दिखने वाले कालों पर लटक रहे हैं ऐसी आपकी उस सोमश्री प्रिया ने मुझे संदेश लेकर आपके पास भेजा है उसने कहा है कि हे आर्यपुत्र यद्यपि मैं शत्रु की अनुनय विनय के द्वारा अलंघनीय शील रूपी प्राकार के अंदर सुरक्षित हूं मतलब कि मैं यहाँ पर वैसे सुरक्षित हूं इस तरह मुझे यहां कितनी देर तक रहना होगा? पुत्र को वाली शत्रु की माता ही मेरी रक्षा कर रही है इसलिए अब तक जीवित हूं हे प्राणनाथ इस शत्रु से आप मुझे शीघ्र छुड़ाइए निरंतर वियोग सहते सहते कदाचित मेरी यहीं पर मृत्यु ना हो जाए इसलिए हे वीर कठोर बुद्धि होकर मेरी उपेक्षा न कीजिए इस तरह जिसके नेत्र सदा आंसुओं से युक्त रहते हैं ऐसी सोमश्री द्वारा भेजा हुआ संदेश सुनाकर मैं क्रत क्रते, क्रत क्रते हुई हूं अब जो कुछ करना हो वह आप पर निर्भर है आप उसके पति हैं आप यह नहीं सोचिए कि वह पर्वत का स्थान मेरे लिए अगम्य है मतलब हाला कि हालांकि वो दूर है लेकिन मेरे लिए अगम्य नहीं है क्योंकि वो विद्याधरी है क्योंकि आपकी इच्छा होते ही मैं निमेश मात्र में निमेश मतलब झपकना पलक झपकते पलक मात्र में आपको वहां ले बुद्धिमान वसुदेव ने अनेक परिचायक चिन्हों के साथ श्रवण करने योग्य बात को सुनकर उससे कहा कि हे सौम्य ये मीठा बोलने वाली उस पर और भी चीजें पूछी होंगी सोमश्री के बारे में और जो भी है तो उस पे बिलीव करा है ना अब उससे आ, बिलीव करने के बाद कहा कि तुम मुझे शीघ्र ही सोमश्री के घर पहुंचा दो कुमार की अनुमति पाते ही विद्या के प्रभाव से संपन्न प्रभावती उन्हें लेकर आकाश में उस तरह जा उड़ी जिस तरह मानव बिजली ही कौंध उठी हो परस्पर के अंग स्पर्श से जिन्हें रोमांच निकल आए थे ऐसे वे दोनों आकाश को उलंघ कर शीघ्र ही स्वर्णापुर नामक उत्तम नगर में जा पहुंचे तदनंतर जिसका कटी सूत्र और वस्त्र कुछ कुछ नीचे की ओर सरक गया था ऐसी प्रभावती ने गुप्त रीति से वसुदेव को सोमश्री के घर जा उतारा वहां पहुंचते ही कुमार ने सोमश्री को देखा उस समय विरह के कारण सोमश्री की बुरी हालत थी चारों ओर लटकते हुए बालों से उसके विरह पांडु मुख की शोभा विरह पांडु मतलब पांडु होता है पीलापन है ना और विरह मतलब दूर रहने के कारण जो मुरझा गया मुख की शोभा मलिन हो गई थी इसलिए समीप में भ्रमण करते हुए भौरों से मलिन कमल से युक्त कमलिनी के समान जान पड़ती थी वह पति का दर्शन होने की अवधि तक बांधे हुए वेनी बंधन से युक्त थी बालों की उसने चोटी जैसे बना कि पति से दर्शन होंगे तभी खोलूंगी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो पतले पुल से युक्त नदी ही हो उसका अधरो अदरोष्ट मतलब जो नीचे का होट रहता है तांबुल की लालिमा से रहित तो होने के कारण कुछ कुछ मटमेला हो गया था इसलिए वह कुछ कुमलाए हुए पल्लव को धारण करने वाली मलान लता के समान जान पड़ती थी मतलब मुरझाई हुई लता के समान जान पड़ती थी पति को आया देख जो उठकर खड़ी हो गई थी तथा जो स्थूल एवं पांडु वर्ण पयोधरों पांडुअन यहाँ पर पीलापन जो मुरझाए है ना पयोधर यानी स्तनों को धारण करने के कारण स्थूल पयोधर यानी मेघों को धारण करने वाली शरद ऋतु की शोभा के समान जान पड़ती थी ऐसी सोमश्री को देखकर कुमार वसुदेव बहुत ही संतुष्ट हुए जिनके शरीर रोमांचों से करकश हो रहे थे ऐसे दोनों ने परस्पर गाढ़ आलिंगन किया उस समय आलिंगन को प्राप्त हुए दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो पुनः विरय न हो जाए इस भय से एक रूपता को ही प्राप्त हो गए थे अच्छी तरह कार्य सिद्ध करने वाली प्राण तुल्य प्रभावती सखी का आलिंगन कर सोमश्री ने मनोहर वचनों द्वारा उसका अभिनंदन किया मीठे मीठे वचन कहकर उसे प्रसन्न किया वसुदेव के आने का रहस्य प्रकट न हो जाए इस विचार से प्रभावती वसुदेव को अपना अपना रूप तथा अपना नाम देकर दोनों दंपत्ति से पूछकर एवं उनसे विदा लेकर अपने स्थान पर चली गई मतलब क्या प्रभावती ने अपनी विद्या के प्रभाव से वसुदेव को प्रभावती बना दिया ठीक जैसे वो विद्याधरी थी है ना रूप बदलने की विद्या उनके पास रहती है तो उस विद्या को ट्रांसफर भी कर सकते हैं तो उसने वो विद्या वसुदेव को दे दी और अपना रूप और नाम दे दिया क्योंकि वो सोमश्री की फ्रेंड थी इस प्रकार परिवर्तित रूप को धारण करने वाले कुमार वसुदेव ने मानस वेग के घर मानस वेग था जो उसको उठाकर ले गया था मानस वेग के घर सोमश्री के साथ कितने ही दिन निवास किया एक दिन सोमश्री पहले जाग गई और पति वसुदेव को अपने स्वाभाविक वेश में देख शत्रु के भय से किसी भी पत्ती की आशंका करती हुई रोने लगी इतने में कुमार भी जाग गए और उसे रोती देख पूछने लगे हे प्रिय किस लिए रोती हो सोमश्री ने उत्तर दिया कि आपका रूप परिवर्तित नहीं देख रही हूं यही मेरे रोने का कारण है कुमार ने कहा कि मत विद्याओं का यह स्वभाव है कि वे सोते हुए मनुष्य के शरीर को छोड़कर पृथक हो जाती हैं और जागने पर पुनः आ जाती हैं। इस प्रकार कहकर तथा पहले के ही समान रूप बदलकर कुमार वसुदेव प्रिया सोमश्री के साथ वहां रहने लगे तदनंतर एक दिन मानस वेग ने किसी तरह कुमार वसुदेव को देख लिया जिससे कुमार वसुदेव हमारी स्त्री सोमश्री के साथ रूप बदलकर रहता है यह शिकायत लेकर वह पत्नी के साथ जयंती नगरी के राजा बल सिंह के पास गया राजा बल सिंह न्यायपरायण पुरुष था इसलिए जब उसने इस शिकायत की छानबीन की तो हार हार गया। जाने से मानस वेग बहुत लज्जित हुआ और वसुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हुआ यह देख कितने ही विद्याधर वसुदेव का पक्ष लेकर खड़े हो गए तदनंतर वसुदेव और मानस वेग का युद्ध हुआ वेगवती की माता ने जमाई वसुदेव के लिए एक दिव्य धनुष और दिव्य बाणों से भरे हुए दो तरकस दे दिए और प्रभावती ने युद्ध का समाचार जानकर शीघ्र ही प्रज्ञप्ति नाम की विद्या दे दी उसके प्रभाव से कुमार ने मानसवे को युद्ध में शीघ्र ही बांध लिया तदनंतर मानसवे की माता ने कुमार से पुत्र भिक्षा मांगी जिससे दया युक्त हो कुमार ने उसे सोमश्री के पास ले जाकर छोड़ दिया इस घटना से मानसवे कुमार का गहरा बंधु कुमार का गहरा बंधु हो गया मानस वेग जो अभी तक उससे लड़ाई करता था उसका शत्रु बना हुआ था अब बंधु हो गया और विमान द्वारा सोमश्री सहित वसुदेव को उनके अभिष्ट स्थान महापुर नगर तक पहुंचाने गया वहां पहुंचने पर वसुदेव का सोमश्री के बंधुओं के साथ समागम हो गया और मानसवेक भी उनका आज्ञाकारी हो अपने स्थान पर चला गया तदनंतर सुनी एवं अनुभवी बातों के प्रश्नोत्तर करना ही जिसका काम शेष था और जिनके चित, काम रस के आधीन थे ऐसे उन दोनों दंपत्तियों का समय सुख से व्यतीत होने लगा अत एक समय कुमार का शत्रु राजा त्रिशिखर का पुत्र संपूर्ण सुरपक सुर, अश्व का रूप रखकर कुमार को हर कर ले गया है ना तो ऐसा नहीं कि वसुदेव की सिर्फ शादियां ही होती रही उनके शत्रु भी बहुत थे है ना तो ये शत्रु फिर अश्व का रूप रखकर कुमार को हर ले गया और आकाश से उन्हें नीचे गिरा दिया जिससे वे गंगा नदी में जा गिरे गंगा नदी को पार कर कुमार वसुदेव तापसों के एक आश्रम में पहुंचे वहां उन्होंने मनुष्य की को मनुष्यों की हड्डी का सेहरा धारण करने वाली एक पागल स्त्री को देखकर किसी तापस से पूछा कि यह सुंदरी युवती किसकी स्त्री है जो मदोन माद के वश हो पागल हस्तनी के समान इधर उधर घूम रही है तापस ने कहा यह राजा जरासंध की पुत्री केतुमती है।, है ना जरासंध का नाम तो सुना ही होगा और राजा जित शत्रु को विवाह ही गई है इस बेचारी को एक मंत्रवादी परिवराजक ने अपने वश कर लिया था वह मर गया इसलिए उसकी हड्डियों के समूह की माला बनाकर यह पृथ्वी पर घूमती रहती है यह सुनकर वसुदेव को दया उमड़ी और उन्होंने महामंत्रों के प्रभाव से शीघ्र ही केतुमती के पिशाच का निग्रह कर दिया वहां वसुदेव की खोज में जरासंध के आदमी पहले से ही नियुक्त थे इसलिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हें घेरकर राजगिरी नगरी में नगर में ले गए उनको ले जाने वाले लोगों से वसुदेव ने पूछा कि हे राजपुरुषो बताओ तो सही मैंने राजा का कौन सा अपराध किया है जिससे मैं इस तरह क्रोध पूर्वक ले जाया जा रहा हूं इस प्रकार कहने पर राजपुरुष बोले कि जो राजपुत्री के पिशाच को दूर करेगा वह राजा को घात करने वाले शत्रु का पिता होगा मतलब क्या कि वसुदेव के पुत्र के द्वारा जरासंध का मरण होगा जरासंध कौन है प्रति नारायण है ना और वसुदेव के के पुत्र कृष्ण जो है वो नारायण है ना तो ये एक तरीका था पता लगाने का कि जरासंध को मारने वाला कौन होगा इस तरह कहकर नीच मनुष्यों से घिरे वसुदेव स्थान पर ले जाए गए परंतु वध होने से पहले ही कोई विद्याधर उन्हें झपट आकाश में ले गया उस विद्याधर ने कुमार को संबोधित हुए कहा कि हे वीर तुम मुझे प्रभावती का पितामह जानो पितामह मतलब दादा प्रभावती जो अभी इससे पहले जिसने सोमश्री से मिलवाया था भागीरथ मेरा नाम है और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला हूँ हे मितिज्ञ मैं तुम्हें प्रभावती के पास लिए जाता हूं इस प्रकार मधुर वचन कहता हुआ वह विद्याधर उन्हें विद्यार्थ पर्वत पर ले गया वहां पर्वत के मस्तक पर एक गंध समृद्ध नामक नगर था उसमें अनेक विद्याधरों से घिरे हुए वसुदेव का उसने बड़े वैभव के साथ प्रवेश कराया तदनंतर प्रशस्त तिथि और नक्षत्र के योग में प्रभावती के पिता तथा बंधुजनों ने हर्ष से युक्त वसुदेव और प्रभावती का विवाह उत्सव किया वसुदेव और प्रभावती के हृदय काम के आवेश से पहले ही एक दूसरे के वशीभूत थे अतः अब वर बनकर दोनों भोग रूपी सागर में निमग्न हो गए गौतम स्वामी कहते हैं कि यद्यपि पापी मनुष्य प्रियजनों के साथ से प्राप्त हुए अन्य मनुष्यों को सदा प्रियजनों से व्युक्त करता है पापी मनुष्य क्या करता है प्रियजनों से व्युक्त करता है दूर करता है तथापि पूर्व भाव में जिन धर्म को धारण करने वाला मनुष्य पूर्व की अपेक्षा सैकड़ों बार अतिशय प्रियजनों के साथ संयोग को प्राप्त होता है है ना तो वियो, वियोग और संयोग क्या है पुण्य और पाप है ना साता और असाता तो उसको इतने ज्यादा प्रियजन का संयोग क्यों हो रहा है क्योंकि उसने इतनी साता भव में पिछले भवों में बांधी है है ना इसलिए सैकड़ों बार ठीक तो यहां पर उसको प्रभावती के लाभ का वर्णन करने वाला तीसरा तीसवा सर्ग समाप्त हुआ ये तो सिंपल ही था इस कंटिन्यू करें आगे अत नंतर किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावती के साथ महल में सो रहे थे कि उसी समय उनका बैरी सुर्प, हरकर आकाश में ले गया है ना पहले भी आया था पे ले गया और गंगा में छोड़ दिया अब फिर से आ गया प्रभावती के ही महल में कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली तो मुक्को के प्रभार से उन्होंने शत्रु को पीटना शुरू कर दिया मुक्कों की मार से घबराकर सुरपक ने उन्हें आकाश से छोड़ दिया जिससे वे शरीर को सुख पहुंचाने वाले गोदावरी के कुंड में गिरे वहां से निकलकर वे कुंड में पहुंचे वहां का राजा पद्मरथ था उसकी कला कौशल से सुशोभित एक सुंदरी कन्या थी उस कन्या की प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे माला गूंथने में पराजित करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी कुमार वसुदेव ने उसे माला गुदने का कौशल दिखाकर प्राप्त किया यानी उसके साथ विवाह किया एक दिन कुमार का शत्रु नीलकंठ वहां से भी उन्हें हरकर ले गया अब ये जो नीलकंठ था एक और उनका शत्रु था है ना? हमने बहुत सारी कहानियों में उनके शत्रुओं के नाम देखे थे तथा आकाश में ले जाकर उसने छोड़ दिया भाग्यवश कुमार चंपा नगरी के तालाब में गिरे वहां से निकलकर उन्होंने चंपापुरी में प्रवेश किया और वहां के मंत्री की पुत्री के साथ विवाह किया एक दिन कुमार चंपा नगरी में जल क्रीड़ा कर रहे थे कि बैरी फिर हर कर ले गया। अब की बार उससे छूटकर अनेक मनोरथों को धारण करने वाले कुमार भागीरथी करने वाले कुमार भागीरथी नदी में गिरे वहां से निकलकर वे अटवी में घूमने लगे अटवी मतलब जंगल वहां मलेचों के राजा ने उन्हें देखा जिससे वे मलेच राज की जरा नामक कन्या को विवाह कर वहीं रहने लगे उन्नत पराक्रम को धारण करने वाले वसुदेव ने उस कन्या में कुन्या में जरत कुमार नाम का पुत्र उत्पन्न किया उसी समय कुमार ने अवंती सुंदरी और शूरसेना नाम की उत्तम कन्या को भी प्राप्त किया तदनंतर पुरुष को खोजने वाली जीवदेशा नाम की कन्या को एवं अनेक कन्याओं को विवाह कर कुमार वसुदेव अरिष्टपुर नामक नगर आए उस समय वहां युद्ध में शत्रुओं को रोकने वाला धीर वीर रुधिर नाम का राजा था उसकी मित्रा नाम की महारानी थी जो कांति रूपी संपदा से देवी के समान जान पड़ती थी उन दोनों के नीति का वेता रण निपुण महापराक्रमी एवं शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास करने वाला हिरण्य नाम का ज्येष्ठ पुत्र था और कलाओं की पारगामिनी रूप और यौवन के अभ्युदय को धारण करने वाली रोहिणी नाम की पुत्री थी वह पुत्री सचमुच रोहिणी तारा के समान कीर्तिमती थी रोहिणी के स्वयंबर में जरासंध को आगे कर समुद्र विजय आदि समस्त राजा आए तो जरासंध जो अभी हमने देखा वो राजा और समुद्र विजय है ना समुद्र विजय सबको ध्यान होगा वसुदेव के सबसे बड़े भाई आ, जो के समुद्र भी है तो वो लोग भी वहां पर आए शोभित शरीर को धारण करने वाले राजा लोग स्वयंवर मंडप में नाना प्रकार के मणिमय खंबों से सुशोभित मंचों पर यथाक्रम से बैठ गए भाइयों की पहचान में ना आ सके ऐसे वेश को धारण करने वाले कुमार वसुदेव भी स्वयंवर में गए और प्रणव नामक बाजा बजाने वालों के पास जाकर बैठ गए नगाड़े होते ना जो वैसा बनवाड़ा टाइप का बाजा बजाने वालों के पास जाकर बैठ गए किस लिए बैठे भाइयों की पहचान में ना आ सके इसका मतलब उन्हें पता था यहां समुद्र विजय आए हैं उस समय कुमार अपने हाथ में पणव नामक बाजा लिए हुए थे और उसके बजाने वालों में सबसे अग्रणी जान पड़ते थे तदनंतर सौभाग्य की भूमि और रोहिणी तारा के समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्या ने स्वयंवर के भीतर प्रवेश किया उस समय समस्त राजाओं ने मुड़ मुड़कर आकुलता से युक्त नेत्रों द्वारा एक साथ उसका अवलोकन किया उस समय उसकी ओर देखने वाले राजा ऐसे जान पड़ते थे मानो नेत्र रूपी कमलों से उसकी पूजा ही कर रहे हों जिन राजाओं को पहले उसका रूप सुनकर परम प्रीति उत्पन्न हुई थी अब उसका रूप देखकर उन राजाओं की वह परम प्रीति और भी अधिक महत्व को प्राप्त हो गई सो ठीक ही है क्योंकि जो अनुराग रूपी अग्नि श्रवण रूपी रूही की संतति में लगकर धीरे धीरे सुलग रही थी क्या मतलब कि जो अनुराग रूपी अग्नि अग्नि कैसी थी अनुराग था मतलब सिर्फ इंटरेस्ट था है ना सुन के जो इंटरेस्ट हुआ था वह यदि दर्शन रूपी ईंधन को पाकर एकदम प्रज्वलित हो उठे तो उसकी वृद्धि का क्या कहना तदनंतर जब शंख और तुरही वादी तुरही वादी वादित्रों का शब्द शांत हुआ तब पवित्र वचन बोलने वाली धाय अलंकारों से धारण करने वाली माननीय कन्या को राजाओं के सम्मुख ले जाकर कहने लगी धाय बेसिकली उनकी जो बहुत क्लोज की जो दासी रहती है है ना वो ले जाकर उनको एक एक राजा के बारे में बताती है ठीक हे पुत्री जिसका यह चंद्रमंडल के समान सफेद छत्र तीन खंडों की विजय से प्राप्त यश रूपी धन से सुशोभित हो रहा है और समस्त भूमि गोचरी तथा विद्याधर राजा जिसके आज्ञाकारी हैं ऐसा यह वसुधा का स्वामी राजा जरासंध बैठा है ना क्योंकि था तो तीन खंड का राजा था वो ठीक है ना तो वो बताया हे रोहिणी तुझे पाने के लोभ से रोहिणी का समागम छोड़कर पृथ्वी पर आए हुए चंद्रमा के समान जान पड़ता है ऐसे इस राजा जरासंध को तू स्वीकार कर तो गुन को धारण करने वाली धाई ने जब ये, जब देखा कि इसका अनुराग जरासंध में नहीं है तब उसने आगे बढ़कर कहा कि यह जरासंध के पुत्र हैं। से जो तुझे पसंद हो उसे वर। उनमें भी जब अनुराग नहीं देखा तब चित्त को जानने वाली धाय ने आगे बढ़कर कहा कि हे बेटी यह आगे मथुरा के स्वामी राजा उग्रसेन बैठे हैं यदि तेरी रुचि हो तो इसकी ओर देख तदनंतर विवेकवती धाय ने आगे बढ़कर कहा सौरपुर के स्वामी समुद्र विजय आदि को देख यदि तेरी रुचि हो तो इनमें से किसी एक के गले में माला डाल धाय के इस प्रकार कहने पर कन्या के चित्त ने उन सबके ऊपर गुरु के समान गौरव धारण किया अर्थात उन्हें गुरु समझकर प्रणाम किया एक सबको एक अलग नजर से देखने लगी तब नंतर धाय ने कन्या के लिए राजा पांडु को दिखाया और उसके बाद विदुर को भी दिखलाया जब उसे इनमें से किसी पर भी कन्या का अनुराग नहीं दिखा तब उसने यश की घोषणा करने वाले दम घोष अतिशय पराक्रमी दत्त ये सबके नाम दि, दिखा रखे हैं शत्रुओं के लिए शल्य के समान दुख देने वाला शल्य सार्थक नाम को धारण करने वाले शत्रुंजय चंद्रमा के समान सुंदर चंद्राभ अतिशयुक्त कालमुख कमल के समान नेत्रों को धारण करने वाले पौंड मात्सर से रहित मत्स्य विजय प्राप्त करने में लीन संजय राजाओं में उत्तम सोमदत्त भाइयों सहित सोमदत्त का आज्ञाकारी पुत्र घूरी श्रवा अंशुमान नामक पुत्र से सहित तथा अतिशय विशाल नेत्रों को धारण करने वाला राजा कपिल राजा पद्मरत सोम चंद्रमा के समान सौम्य राजा सोमक इंद्र के समान आभा को धारण करने वाला देवक और लक्ष्मी रूपी वधु से सेवित श्रीदेव राजा को दिखाया श्रीदेव राजा को दिखाया तथा इन सब राजाओं को दिखाकर उनके वंश और स्थान आदि का भी वर्णन किया तदनंतर न्याय को जानने वाली धाय ने कन्या के लिए और भी अनेक राजाओं का परिचय देते हुए कहा कि हे बाले मुख्य इतने ही हैं इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो इनमें से जो भी तेरे हृदय में स्थित हो जिसे तू चाहती है उसके कंठ में माला डाल दे ये सभी राजा तेरे सौभाग्य रूपी गुण से आकर्षित होकर इधर तेरे समीप स्थित हैं इनमें से जो तुम्हारे चित्त को हरण करने वाला हो उससे के सौभाग्य को प्रकाशित कर हे मुग्धे तेरे लिए योग्य की प्राप्ति की चिंता से तेरे माता पिता की निद्रा नष्ट हो गई है सो योग्य वर को स्वीकार कर उन्हें सुखी बना धाय के इस प्रकार कहने पर कन्या ने उत्तर दिया कि हे माता आपने ठीक कहा है किंतु आपके द्वारा दिखाए हुए इन राजाओं में से किसी पर मेरा मन अनुरक्त नहीं हो रहा है देखने के बाद ही जिसके ऊपर हृदय में स्नेह प्रकट होता है उसे वरने के लिए वचन पुनरक्त होता है तथा आंतरिक स्नेह के प्रकट होने पर ही स्त्री पुरुष दोनों में संतोष का अनुभव होता है इन राजाओं पर मुझे न राग है न द्वेष है न मोह है और न शून्यता है अहो मुनि के समान मेरी इन सब पर किसी कारण से उपेक्षा हो गई है यदि विधाता ने इन सब से बढ़कर कोई दूसरा वर मेरे लिए बनाना चाहा है तो जगत का गुरु विधाता ही आज उस वर को दिखलाए इतना कहने के बाद ही कन्या ने कर्ण मार्ग से भीतर जाकर चित्त को खींचने वाली पणव की मधुर ध्वनि सुनी मतलब कि आ, उस नगाड़े की सुंदर ध्वनि उसके कानों में पड़ी वह ध्वनि मानव स्पष्ट रूप से यही कह रही थी कि हे सुंदरी तुम्हारे मन को हरण करने वाला राजंस इधर बैठा है अतः इस ओर देखो तदनंतर जो ही कन्या ने मुड़कर उस ओर देखा त्यों ही उसे राज से युक्त कुबेर के समान वसुदेव दिखे उसी क्षण कामदेव ने परस्पर दृष्टि सम्मिश्रण रूप तीक्षण बानों की संपदा से दोनों का मन जर्जरित कर दिया तदनंतर जो आभूषणों के शब्द से अतिशय मनोहर जान पड़ती थी और स्तन चक्र के भार से नीचे की ओर झुक रही थी ऐसी रोहिणी के पास जाकर वसुदेव के गले में ऐसी रोहिणी ने पास जाकर वसुदेव के गले में माला डाल दी मंच पर आसीन वसुदेव के समीप बैठी हुई रोहिणी चंद्रमा के समीप स्थित रोहिणी तारा के समान मनोहर जान पड़ती थी नवीन समागम से उत्पन्न भय के कारण जिसका शरीर कुछ कुछ कांप रहा था ऐसी रोहिणी ने अपने शरीर के स्पर्श से वसुदेव के शरीर को सुख उत्पन्न कराया वह स्वयंबर को देखकर कितने ही राजा यह कहने लगे कि अहो जिस प्रकार रत्न और स्वर्ण का संयोग होता है उसी प्रकार यह दोनों योग्य वर वधु का संयोग हुआ है है ना तो कुछ राजा तो सपोर्ट करने लगे अहो इस कन्या की चतुराई देखो कि जिसने छिपे कुल से युक्त लक्ष्मी संपन्न एवं प्रधान पुरुष रूप इस किसी अनिर्वचनीय राजा को वरा है मतलब जिस अनडिस्कलोज राजा को वरा है मात्सर्य से पीड़ित अन्य राजा लोग यह कह रहे थे कि देखो पणम वादव को वर बनाती हुई कन्या ने बड़ा अन्याय किया है मात्सर्य मतलब है ना बहुत लोग को जेलस भी हुआ कि हमें तो हम तो आए और हमारा तो ये, हमारा निरादर हो गया राजाओं को इस पराभव की उपेक्षा करना उचित नहीं है पराभव मतलब हार है ना क्योंकि ऐसा होने से तो पृथ्वी तल पर सदा अति प्रसंग होने लगेगा यानी कुल मर्यादा की सब व्यवस्था ही भंग हो जाएगी कुलीन मनुष्य की सभा में इस अकुलीन मनुष्य का असर ही क्या था अथवा यह कुलीन है और अपना कुल बताना चाहता है तो बताए यदि वह ऐसा नहीं करता यानी अपना कुल नहीं बतलाता तो यह कुल नीच कुल में उत्पन्न हुआ है अतः इसे यहां से हटा दिया जाए और यह कन्या किसी राजपुत्र को दे दी जाए तदनंतर धीरवीर वसुदेव ने शोभ को प्राप्त हुए राजाओं से कहा ए अहंकार से भरे क्षत्रिय तथा सज्जन पुरुष हमारे वचन सुने स्वयंबर में आई हुई कन्या अपनी इच्छा से अनुरूप कुलीन अथवा अकुलीन वर को वरती है स्वयंबर में कुलीन अथवा अकुलीन का कोई क्रम नहीं है इसलिए कन्या के पिता भाई अथवा स्वयंबर की विधि को जानने वाले किसी अन्य महाशय को इस विषय में अशांति करना योग्य नहीं है कोई महाकुल में उत्पन्न होकर भी दुर्भग यानी दुर्भाग्य से स्त्री के लिए अप्रिय होता है और कोई नीच कुल में उत्पन्न होकर भी सुभग यानी स्त्री के लिए प्रिय होता है यही कारण है कि इस विषय में कुल और सौभाग्य का कोई प्रतिबंध नहीं है इसलिए यदि इस कन्या ने मुझ अपरिचित का सौभाग्य प्रकट किया है तो इस विषय में आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए इतने पर भी यदि कोई पराक्रम के गर्व से यहां शांत नहीं होता है तो मैं कान तक खींचकर छोड़े हुए बाणों से उसे शांत कर दूंगा है ना वसुदेव तो युद्ध में वैसे ही बहुत कुशल थे वसुदेव के उक्त वचन सुनकर राजा ही उपित हो उठा उसने राजाओं से कहा कि इस उद्दंड को तथा पुत्र सहित राजा रुधिर को पकड़ लो जिसकी की बेटी रोहिणी थी कि उसको और इस वसुदेव को पकड़ लो दुष्ट स्वभाव के राजा पहले ही से कुपित थे फिर चक्रवर्ती का आदेश पाकर तो दूने कुपित हो गए तदनंतर वे दुष्ट राजा तैयार होकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए वहां जो सज्जन प्रकृति के राजा थे वे पाप से निष्प्रिय हो अपनी अपनी सेना लेकर अलग खड़े हो गए जो रुधिर के पक्ष में थे मतलब रोहिणी के के पिता के पक्ष में थे वे क्रोध से रक्त क्रोध से रक्त के समान लाल लाल नेत्र करते हुए शत्रु को घायल करने की इच्छा से शीघ्र ही तैयार होकर वहां पहुंचे राजा रुधिर का पुत्र स्वर्णाम रोहिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर खड़ा हो गया और समस्त सेना से युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट वर यानी वसुदेव को अपने रथ पर सवार कर खड़ा हो गया रुधिर ने मीठे मीठे शब्दों द्वारा अपने योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे महारथियों तुम लोग युद्ध में अपने अनुरूप ही कार्य करो यानी जैसा तुम लोगों का नाम है वैसा ही कार्य करो वसुदेव ने अपने ससुर राजा रुधिर से कहा कि हे पूज्य आप मुझे अनेक अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ रथ शीघ्र ही दीजिए जिससे मैं क्षत्रियो को शीघ्र ही पलायमान कर दू ये लोग युद्ध में जिसके कुल का पता नहीं ऐसे मेरे बाणों को सहन करें वसुदेव के इस प्रकार कहने पर राजा रुधिर बहुत संतुष्ट हुआ वह पुरुषों के अंतर को समझने वाला जो था तदनंतर उस, उसने मजबूत अस्त शस्त्र से युक्त एवं वेगशाली घोड़ों से जुता हुआ महारथ बुलाया उसी समय शूर वीर उत्तम रथ पर स्थित तथा दिव्य अस्त्रों से नाम का विद्याधर मनोरथ के के समान कुमार वसुदेव पास आ पहुंचा और नम्र होकर बोला कि आप शीघ्र ही मेरे रथ पर चढ़ जाइए युद्ध में मैं आपका सारथी रहूंगा आप इच्छा अनुसार शत्रु के समूह को नष्ट कीजिए उसके वचन सुनकर वसुदेव बहुत संतुष्ट हुए और धनुष हाथ में ले तथा कवच धारण कर नाना प्रकार के बाणों के समूह से भरे हुए उसके रथ पर चढ़ गए जिसमें 2000 रथ थे 6000 हजार मधोन्मत हाथी थे 14000 घोड़े थे और एक लाख पैदल सैनिक थे ऐसी राजा रुदीर की विशाल सेना शत्रु सेना के नाश का दृढ़ ही कुमार वसुदेव के समीप आ गई उस बलशाली चतुरंग सेना के साथ वसुदेव शीघ्र ही जिसका अंत नहीं दिखाई देता था ऐसे शत्रु की सेना रूपी समुद्र के सम्मुख गए तदनंतर समुद्र के समान शब्द करने वाली एवं शंख तुरही आदि के शब्दों से भिंग कर दोनों चतुरंग सेनाओं में मुठभेड़ शुरू हुई तक के समझ में आ रहा है ना सबको हाँ। 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 हाथी घोड़ा रथ हाँ। 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 हाथी घोड़ा रथ और पैदल सैनिक यथा योग्य रीति से हाथी घोड़ा रथ और पैदल सैनिकों के सामने जाकर रण क्षेत्र में युद्ध करने लगे आकाश विवर को आच्छादित करने वाले सघन बाणों के समूह से उस समय युद्ध में सूर्य भी दिखाई नहीं देता था फिर अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या थी तलवार चक्र और गदा के प्रहार से निकलती हुई खून की धाराओं से जहां अंधकार फैल रहा था ऐसे उस रण क्षेत्र में सूर्य का भी पाद संचार यानी किरणों का संचार रुक गया था पक्ष में अतिशय तेजस्वी मनुष्य का पैदल आना जाना रुक गया था वहां सब और पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य घोड़े और रथ जीर्ण शीर्ण होकर धराशायी हो रहे थे इन सब से वहां बहुत भारी शब्द हो रहा था तदनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद जो खेद किन हो गया था ऐसी अपनी सेना के अग्रभाग को सहारा देने के लिए वसुदेव और स्वर्णा दोनों ही उद्यत हुए दृष्टि को अपहरण करने वाले प्रयोग से जिन्हें कोई देख नहीं पाता था ऐसे ये दोनों ही जहां तहां बाणों के द्वारा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को आच्छादित करने लगे उस महायुद्ध में न ऐसा हाथी था न रथ था न घोड़ा था न मनुष्य ही था जो तीक्ष्ण बाणों को छोड़ने वाले उन दोनों के द्वारा जर्जरित न किया गया हो तो वसुदेव और रोहिणी का ब्रदर जो था स्वर्णाम है ना वो दोनों काफी आगे आगे सबके ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे कुमार वसुदेव शत्रु के द्वारा चलाए हुए बाणों की वर्षा को तो वायव्य अस्त्र से तितर बितर कर देते थे वायव्य अस्त्र मतलब एकदम तेज तूफान की तरह अस, ऐसा अस्त्र जिससे एकदम तूफान आ जाए और अपने माहन्द्र बाण से शत्रुओं के धनुष तक को तोड़ देते थे उन्होंने बाणों के प्रहार से शत्रुओं के चंद्रमा के समान सफेद छत्र उज्जवल यश तथा अतिशय उन्नत माननीय सिर के बालों को नीचे गिरा दिया। इधर वीरों को भय उत्पन्न करने वाले शूरवीर वसुदेव इस प्रकार भयंकर युद्ध कर रहे थे और उधर वीर स्वर्णाम ने युद्ध क्षेत्र में पौंड राजा को अपने सामने किया जिस प्रकार सिंह के दो बच्चों का भयंकर युद्ध होता है उसी प्रकार अतिशय महान रथ पर बैठे हुए उन दोनों कुमारों में भी बाणों द्वारा भयंकर युद्ध होने लगा स्वर्णाम ने देखते ही देखते तीक्ष्ण बाणों से शत्रु की ध्वजा छत्र, सारथी और रथ के घोड़ों को शीघ्र ही नीचे गिरा दिया तदनंतर राजा ने भी अत्यंत कुपित हो वज्रदंड के समान तीक्ष्ण बाणों से शत्रु की नकल करते हुए उसकी ध्वजा छत्र सारथी और घोड़ों को धराशायी कर दिया तत्पश्चात स्वर्णाप ने भी बाणों के समूह से शत्रु के कवच पताका छत्र रथ सारथी और घोड़ों को काट डाला यह देख पौंडर ने भी तीक्ष्ण बाणों के द्वारा स्वर्णाब को शीघ्र ही रथ रहित कर तत्काल ही उसके प्राणों को हरण करने वाले बाण जो ही धनुष पर चढ़ाया वसुदेव ने बाण से उसके धनुष को काट डाला और शीघ्रता के साथ आप को अपने स्थिर रथ पर चढ़ा लिया तदनंतर लगातार बाण वर्षा करने वाले वसुदेव ने जब पौंडर को आच्छादित कर लिया तब बहुत से शत्रु एक होकर यानी मिलकर वसुदेव पर बाणों के समूह की वर्षा करने लगे परंतु फिर भी वसुदेव अपने बाणों से शत्रु के बाणों का निवारण कर तीक्ष्ण बाणों से शत्रु पर प्रहार करते रहे उस समय कुमार की कुशलता से प्रसन्न होकर शत्रु भी उन्हें पद पद पर साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे अर्थ जो वहां न्याय नीति के जानने वाले सज्जन राजा थे उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह युद्ध नहीं देखना चाहिए क्योंकि यह एक का अनेक के साथ हो रहा है मतलब एक तरफ वसुदेव है और बहुत सारे ऑपोजिट में राजा कई सारे हैं एक के ऊपर अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे हैं इसलिए यह है अन्यायपूर्ण युद्ध है तदनंतर धर्म युद्ध देखने की इच्छा से जरासंध ने कहा कि अच्छा कन्या के लिए इसके साथ एक एक राजा युद्ध करें तत्पश्चात जरासन का आदेश पाकर राजा शत्रुंजय कुमार वसुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उठा और शेष राजा मत्सर रहित होकर युद्ध देखने लगे कुमार ने शत्रुंजय के द्वारा चलाए हुए बाणों को दूर फेंककर उसके रथ और कवच को तोड़ डाला और उसे मूर्छित कर छोड़ दिया तदनंतर मध्य से उद्धत राजा दत्त वक्त युद्ध करने लगा परंतु कुमार ने उसका भी रथ तोड़ दिया और उसके पौरुष को निसार कर उसे भगा दिया तदनंतर जो यमराज के समान उद्धत था ऐसा कालमुख युद्ध के लिए सामने आया सो अतिशय बलवान वसुदेव ने उसे भी प्राण शेष कर छोड़ दिया अब रथ पर सवार हो तीक्ष्ण बानों को छोड़ता हुआ शल्य सामने आया सो वसुदेव ने उसे भी अतिशय भयंकर जम्रण नामक अस्त्र से बांध लिया तदनंतर जरासन ने सन्मुत्र विजय से कहा कि हे राजन तुम अस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण हो इसलिए शीघ्र ही युद्ध में इसका गर्व हरण करो यद्यपि समुद्र विजय न्याय नीति के वेता थे युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि राजा जरासंत की आज्ञा से उठे सो ठीक ही है क्योंकि युद्ध के विषय में न्याय के वेत्ता मनुष्य भी प्राय अपने स्वामी का ही अनुसरण करते हैं है ना क्योंकि वो उसका स्वामी हो गया वो प्रतिनारायण ततीन खंड का राजा था तत्पश्चात समुद्र विजय की आज्ञा पाकर सारथी के द्वारा चलाया हुआ रथ ऐसा रथ कि जिस पर बहुत ऊंची ध्वजा और छत्र लगा हुआ था वसुदेव के रथ की ओर दौड़ा वसुदेव ने दूर से ही बड़े भाई के रथ को देखकर अपने सारथी से कहा कि इन्हें तुम मेरे बड़े भाई समुद्र विजय जानो हे ददिमुख ये हमारे पिता तुल्य हैं अतः तुम्हें इनके आगे रथ धीरे धीरे ले जाना चाहिए मुझे रणभूमि में इनके साथ इनकी रक्षा का ध्यान कर रखते हुए ही युद्ध करना चाहिए सारथी दधिमुख ने वे सुदेव की आज्ञा के अनुसार ही रथ चलाया जिससे वह प्रेरित होने पर भी समुद्र विजय से अधिष्ठित रथ की ओर धीरे धीरे ही चला युद्ध के मैदान में आने पर राजा समुद्र विजय ने अपने सारथी से कहा कि हे भद्र इस योद्धा को देखकर मेरा मन स्नेह युक्त क्यों हो रहा है दाहिनी आग तथा भुजा भी फड़क रही है जो बंधु के समागम को सूचित करने वाली है परंतु युद्ध के मैदान में जबकि शत्रु सामने खड़ा है इस शकुन की संगति कैसे बैठ सकती है तुम्हें कहो उत्तम शकुन शकुनों में विसंवाद का काल के विरुद्ध होने से निमित्तों का संवाद भी संगत नहीं जान पड़ता है ना कि निमित्त तो ये कह रहे हैं और शकुन कभी गलत हो नहीं सकते समुद्र विजय के इस प्रकार कहने पर सारथी ने कहा कि हे स्वामी अभी आप शत्रु के सामने खड़े हैं जब इसे आप जीत लेंगे तब अवश्य ही बंधु समागम होगा यह शत्रु दूसरों के द्वारा अजय है। अतः इसके जीत लेने पर आप राजाओं के समक्ष राजा अधिराज जरासन से अवश्य ही विशेष सम्मान को प्राप्त करेंगे मतलब क्या कि राजा जो जरासंध है वो ही आपका बंधु के समान बिहेव करेगा ऐसा उसने इंटरप्रेट किया समुद्र विजय ने सारथी के वचनों की प्रशंसा कर धनुष उठाया और तरकश से बाण निकालकर धनुष हाथ में ले बाण निकालकर खड़े हुए कुमार वसुदेव से कहा कि हे धीर युद्ध में तुम्हारे धनुष का जैसा कौशल देखा है अब मेरे आगे वैसा ही उसका समारोप करो यानी उसी प्रकार की कुशलता दिखाते रहो तो जाने हे शुरता के पर्वत तुम्हारा अतिशय उन्नत यह मान रूपी शिखर अभी तक अन आच्छादित है मतलब अभी तक आ, उसको दूर नहीं किया गया है सो मैं बाण रूपी मेघों से अभी आच्छादित करता हूं मैं समुद्र विजय हूं कुमार ने आवाज बदलकर कहा कि हे राजेंद्र हम लोगों को बहुत कहने से क्या लाभ युद्ध में ही हम दोनों की प्रकटता हो जाएगी जो जैसा होगा वह वैसा सामने आ जाएगा यदि आप समुद्र विजय हैं तो मैं संग्राम विजय हूं यदि आपको प्रतीति न हो तो शीघ्र ही धनुष पर बाण रखकर छोड़िए वसुदेव के इस प्रकार कहने पर जिनकी मध्यस्थता छूट गई थी तथा जो वैशाख आसन में खड़े थे ऐसे राजा समुद्र विजय ने डोरी पर बाण रखकर तथा खींच कर क्रोध व जोर से मारा उधर वैशाख आसन में से सुशोभित वसुदेव ने शीघ्र ही बदले में चलाए हुए बाण से समुद्र विजय के उस बाण को दूर से ही काट डाला इस प्रकार राजा समुद्र विजय ने युद्ध में जितने बाण छोड़े उन सबको बदले में छोड़े हुए बाणों के द्वारा वसुदेव ने बहुत शीघ्र दूर से ही निराकृत कर दिया सबको तोड़ डाला तदनंतर जो अस्त्र विद्या में निपुण थे और राजा लोग साधु साधु शब्द कर जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे उन दोनों ने वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्रों से चिरकाल तक युद्ध किया ऐसे अस्त्र जो एक दूसरे की काट करें योद्धा सारथी और घोड़ों को लक्ष्य कर बड़े भाई जिन बाणों को छोड़ते थे छोटे भाई उन्हें अपने बाणों से उस तरह छेद डालते थे जिस तरह की गरुड़ सर्पों को छेद डालता है तदनंतर युवा वसुदेव ने भाई के द्वारा चलाए हुए एक एक बाण के तीन तीन टुकड़े कर अपने अस्त्रों से उसके रथ सारथी और घोड़ों को छेद डाला वसुदेव के अस्त्र कौशल को देखकर राजा लोग उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे उस समय कितने ही राजा अपना सिर हिला रहे थे कोई उंगलियां चटका रहे थे और कोई मुख से साधु साधु शब्द का उच्चारण कर रहे थे बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि इसके साथ हमारा क्या संबंध है इसलिए उन्होंने क्रोध में आकर वसुदेव पर हजारों अस्त्रों से युक्त दिव्य छोड़ा। परंतु कुमार वसुदेव ने भी शीघ्र ही अस्त्रों को आच्छादित करने वाला ब्रह्मशीर नामक अस्त्र छोड़कर बड़े भाई के द्वारा छोड़े हुए उस रुद्रास्त्र को बीच में ही काट डाला वसुदेव का संग्राम में शस्त्र चलाने का कौशल परम प्रशंसनीय था क्योंकि उन्होंने नाना प्रकार के शस्त्रों को तो काट दिया था परंतु अपने बड़े भाई को सुरक्षित रखा था इस प्रकार रण क्रीड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेह से भर गया था ऐसे वसुदेव ने बड़े भाई के पास अपने नाम से चिन्हित बाण भेजा उसका वह बाण मंद गति से गमन करता हुआ बड़े भाई के पास पहुंचा राजा समुद्रविजय ने उस अनुकूल बाण को लेकर उसमें लिखा हुआ यह समाचार पढ़ा कि हे महाराज जो अज्ञात रूप से निकल गया था वही मैं आपका छोटा भाई वसुदेव हूँ सौ वर्ष बीत जाने के बाद आज आत्मीय जनों के समीप आया हूं आर्य वह आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ भ्रातृ भात, स्नेह की प्रबलता से समुद्र विजय अपने हाथ का धनुष दूर फेंक दिया और वे चीघ्र ही रथ से उतरकर छोटे भाई के पास जा पहुंचे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का कहानी एटलीस्ट यहाँ पर वसुदेव का विवाह ना होके कुछ नया देखा हमने है ना <laughs> हाँ समय हो गया एक्चुअली uh, हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा ना सब अपने को यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन ठीक है जिन्हानी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक का सोवाणी मस्तक धरो सदा हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन बार नम सभी को जय जिने जय जिने जय जिने जय जिने चारू जी अच्छा